हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको नादिरा का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तन्हाई में ता उम्र साथ नहीं छोड़ा अपने जमाने की चर्चित अभिनेत्री नादिरा का। औरत जब मोहब्बत में पड़ती है तो ढेर गलतियां करती है, सब कुछ हार जाती है। नादिरा इसकी एक मिसाल है। वो नक्शब की पोएट्री पर इस तरह फिदा थी कि दिल दे बैठी। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी भी कर ली। दुनिया ने बहुत समझाया, दुगनी उम्र का बंदा है, लेकिन मोहब्बत में सर से पाँव तक डूबा दिल है कि मानता ही नहीं। करीब 2 साल चली ये शादी। इस दरमियान ही नादिरा को एहसास हुआ कि अकेलापन क्या होता है। जालिम मर्द इसी का फायदा उठाता है। वो सवाल करती रही, क्या तुम वही हो जो इतनी इमोशनल पोएट्री लिखते हो? तलाक हुआ, लेकिन उन्होंने फिर गलती दोहराई। अरब मुल के एक अमीर से शादी कर ली, लेकिन वहाँ भी 4 दीवारी में कैद मिली। कुछ महीने बाद वहाँ से भी जैसे तैसे पिंड छुड़ाई। उन्हें लगा जिंदगी बहुत जी ली, इससे अच्छा मरना ही ठीक है। लेकिन उनके आसपास एक दुनिया थी जो उनके भरोसे पर थी, माँ और 2 भाई। नादिरा के सर से पिता का साया बहुत पहले ही उठ गया था। माँ फौज में पायलट थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाकायदा हिस्सा लिया, मगर वॉर खत्म होते ही सब छूट गया। महबूब खान को आन 1952 के हीरो दिलीप कुमार के सामने एक ऐसे तेज तर्रार हंटर वाली टाइप लड़की की तलाश थी जिसका लुक एंग्लो इंडियन हो, ताकि इसका इंग्लिश वर्जन भी तैयार किया जा सके। उनकी बेगम सरदार अख्तर ने नादिरा को एक पार्टी में स्पॉट किया और वो अफगानी यहूदी लड़की फ्लोरेंस एजिकिन से नादिरा बन गई। तब नादिरा अलहड़पन के दौर से गुजर रही थी, फिल्मी तौर तरीकों और फिल्मी लोगों से बिल्कुल अनजान। न उनको महबूब खान की अहमियत का एहसास था और न दिलीप कुमार की शख्सियत का इल्म। कई बरस बाद जाना कि दिलीप कुमार एक अजूबा है जिसके न्यान में ऐसे ऐसे अल्फाज है कि कई बार डिक्शनरी का सराहा लेना पड़ा। आन की बेमिसाल कामयाबी से नादिरा की दहलीज पर दर्जन भर फिल्मों की ऑफर भले आ गए, मगर किस्मत नहीं चमकी। नगमा, रफ्तार, प्यारा दुश्मन, डाक बाबू, वारिस सब फ्लॉप हो गई। तभी उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया, राज कपूर, जिन्हें वो ताउम्र राजू भैया कहती रही। जब संगम 1964 के दिनों में राज कपूर की निजी जिंदगी में वैजयंती माला से उनके रिश्तों को लेकर आग लगी और बहनों से भी मिली, तो ये नादिरा ही थी जिन्होंने टूटे हुए राज कपूर को राखी बांधी। नादिरा को भी उन दिनों किसी हिट बैनर की शिद्दत से तलाश भी थी, भले ही नेगेटिव रोल हो। और ये किरदार था श्री 420 1955 की सोसाइटी गर्ल माया का, जिसे दुनिया मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के गर्ल के नाम से भी जानती है। मगर नादिरा इसे करके बहुत पछताई, उनके पास नेगेटिव रोल ही आने लगे। वो साल भर तक मना करती रही, मगर इससे शशिकला को बहुत फायदा हुआ। वैम्प के सारे किरदार उनकी झोली में चले गए, चाहे लीड रोल हो या नेगेटिव या कैरेक्टर। नादिरा ने अपने दौर के हर हीरो के साथ काम किया। अशोक कुमार के साथ सिर्फ एक फिल्म की, नगमा, जो उनके पति नक्षब ने डायरेक्ट की थी। वो बताती थी कि हालांकि अशोक कुमार एक बेहतरीन अदाकार थे, लेकिन उनके साथ शूटिंग सिर्फ 4-5 दिन ही की, बाकी के शॉट डुप्लीकेट के साथ हुए। देवानंद के साथ नादिरा ने पॉकेट मार 1956 की,
और फिर कई साल बाद इश्क 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 1974 में उनकी माँ बनी। उन्हें देखते ही देव ने याद दिलाया था, मेरी पॉकेट न मारना। नादिरा को दिल अपना और प्रीत पराई 1960 में राजकुमार का साथ बहुत अच्छा लगा। वो एक तहजीबदार और शानदार इंसान थे, लेकिन दुनिया उनके बारे में जाने क्यों अंतशंत बोलती रही। इस फिल्म में वो उनकी शकी पत्नी थी, जिनको हीरोइन मीना कुमारी से उनके पूर्व रिश्तों को लेकर बेहद कड़वाहट रही। अदाकारी से लिहाज से ये नादिरा की यादगार फिल्म रही। मीना कुमारी उनकी अच्छी सहेली थी। उनकी मौत ने नादिरा को बहुत भीतर तक डरा दिया था, जिसकी कमाई से न जाने कितने लोग पले। उसे आखिर में एक अदद सफ़ेद चद्दर भी अस्पताल की मेहरबानी से मिली। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। नादिरा की दो अन्य फिल्मों का जिक्र भी ज़रूरी है। मोतीलाल की छोटी छोटी बातें 1965 में नादिरा एक सोशल वर्कर की पॉजिटिव किरदार शांति में बहुत अच्छी लगी थी, जो मन की शांति की तलाश में भटक रहे मोतीलाल की हर संभव करती है, मगर उनका वर्षी बहनोई हर वक्त बुरी तरह नज़र रखता है। इस फिल्म को दीपा गहलोत की किताब टेक टू 50 फिल्म्स दैट डिजर्व अ न्यू ऑडियंस में शुमार किया गया। नादिरा ने सफ़र 1970 में फिरोज खान की मां का छोटा सा पावरफुल किरदार अदा किया था, जिसमें वो कोर्ट में कत्ल के इल्ज़ाम में कटघरे में खड़ी बहू शर्मिला टैगोर के पक्ष में गवाही देती है कि उनकी बहू साइनाइड का इंजेक्शन खुद को दे सकती है, मगर पति को नहीं दे सकती। बलराज साहनी को वो बेहतरीन इंसान मानती रही। उन्हें उनके साथ आकाश 1952 में काम करने का मौका मिला था। वो बताती थी, वो जब भी मिले लगा कि अंदर से टूट रहे हैं। कुछ अजीब सी कश्मकश थी उनकी जिंदगी में। उनकी बेवक्त मौत पर मैंने खुदा से दुआ की थी कि उन्हें दोबारा इंसानों के जंगल में मत भेजना। तलत महमूद के साथ नादिरा ने 3 फिल्में की, डाकू बाबू, वारिस और रफ्तार। वो बताती थी, एक शालीन और खामोश इंसान जो वाकई एक्टिंग के लिए नहीं आवाज़ की दुनिया के लिए बना था। अगर कहा जाए, नादिरा भले ही किसी वजह से फिल्मों में आई, लेकिन बेहतरीन अदाकारी की पर्याय रही। जूली 1975 में उनको एक जवान बेटी की बेहद फिक्रमंद एंग्लो इंडियन माँ मार्गरेट के किरदार में बहुत सराहा गया। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। नादिरा की कुछ अन्य यादगार फिल्में हैं, छोटी छोटी बातें, मेरी सूरत तेरी आँखें, तलाश, सफ़र, इश्क पर जोर नहीं, चेतना, एक नज़र, राजा जानी, पाकीज़ा, कहते हैं मुझको राजा, धर्मात्मा, अमर अकबर एंथनी, आसपास, सागर। 1997 में टीवी सीरियल मार्गरेटा भी उन्होंने किया। उन्हें आखिरी बार शाहरुख खान ऐश्वर्या की जोश 2000 में खराब बोलने वाली लेडी डिकोस्टा के किरदार में देखा गया था। उम्मीद थी कि इससे उनकी फिल्मों में वापसी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। आखिरी कई साल उन्होंने मुंबई के एक अपार्टमेंट में अकेले ही काटे। दोनों भाई विदेश बस गए, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान ही पसंद आया। अपना जन्मदिन वो अपार्टमेंट में रहने वालों के साथ केक काटकर मनाती थी। मगर किताबों का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। हर किस्म की किताब, फिक्शन और नॉन फिक्शन, उन्हीं के साथ और उन्हीं के बीच सोती थी। वो कहती थी, उन्हें जिंदगी किताबों से ही मिली।
शराब और सिगरेट ने उन्हें कई बीमारियां दी। 9 फरवरी 2006 को 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते वो परलोक सिधार गई। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।